महासचिव बनने के बाद आज होगा प्रियंका गांधी का पहला रोड शो। कांग्रेस महासचिव का पद संभालने के बाद पहली बार सोमवार यानी कि आज प्रियंका गांधी सूबे की राजधानी लखनऊ में रोड शो करेंगी। प्रियंका गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी होंगे। आज तीसरे दिन कोलकाता पुलिस कमिश्नर से फिर पूछताछ करेगी सीबीआई। सीबीआई आज कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष से फिर पूछताछ करेगी। शारदा चिटफंड और रोज वैली घोटाले के संबंध में शिलोंग में सीबीआई राजीव कुमार से लगातार तीसरे दिन और घोष से लगातार दूसरे दिन पूछताछ करेगी। नोएडा में आज पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और वृंदावन में बच्चों को परोसेंगे खाना। नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। सोमवार सुबह पीएम मोदी नोएडा में आयोजित एक्सपो मार्ट में 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल गैस सम्मेलन और पेट्रोटेक 2019 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में देर रात तक चला चेकिंग अभियान। कल सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसके बाद सुरक्षा बल चौकन्ना हुआ और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया। बता दें कि कल ही कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया था। रफेल पर आ जाएगी सीएजी की रिपोर्ट। विवादित रफेल सौदे को लेकर आज सांसद में सीएजी की रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस झूठ के आधार पर रफेल को लेकर संस्थान पर इस तरह के आरोप लगा रही है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।